पाँच दिनों के दिवाली त्यौहार में चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। ये पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। ये दिन लोगों को प्रकृति की महत्ता को समझाता है। इस दिन घरों में गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भी बनाई जाती है। इसके बाद शाम के समय गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। उन्हें अन्नकूट और कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। इस साल दिवाली 12 नवंबर की है, लेकिन गोवर्धन पूजा की तिथि को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन है। आइए आपको बताते हैं कि किस दिन गोवर्धन पूजा की जाएगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:56 से हो रही है और समापन अगले दिन 14 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 2:36 पर होगा। हिंदू धर्म में उदय तिथि का विशेष महत्व होता है। ऐसे में गोवर्धन पूजा का पर्व 13 को नहीं बल्कि 14 को मनाया जाएगा। इस दिन गोवर्धन पर्वत बनाकर शाम के समय पूजा की जाएगी और गोवर्धन पूजा का शुभ समय 5:25 से रात 9:36 तक रहेगा। गोवर्धन पूजा का महत्व। गोवर्धन पूजा प्रकृति को समर्पित त्यौहार है। माना जाता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का घमंड तोड़ा था और गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की जान बचाई थी और लोगों को प्रकृति की सेवा और पूजा करने का संदेश दिया था। ये दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का दिन था। तब से इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और भगवान को सभी तरह की मौसमी सब्जियों से तैयार अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा विधि। गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से गोवर्धन बनाकर उसे फूलों से सजाया जाता है। गोवर्धन पूजा शाम के समय की जाती है। पूजन के दौरान गोवर्धन पर धूप दीप पुष्प रोली अक्षत प्रसाद आदि चढ़ाया जाता है। खील बतासे और अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इसके बाद गोवर्धन पूजा की कथा पढ़ी जाती है। इसके बाद गोवर्धन की 7 बार परिक्रमा करते हुए जयकारे लगाए जाते हैं। दोस्तों, ये थी गोवर्धन पूजा की तिथि मुहूर्त और उसका महत्व। यदि आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करने और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले हर वीडियो तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।